हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राधिकास कुकस एंड लाइफ स्टाइल। होप सो आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और एज यूजल मैं भी बहुत ही खुश हूँ। तो आज का दिन आपका इस उगते हुए सूरज के किरणों की तरह ही जगमगाता रहे, बहुत ही खुशनुमा रहे, इस होप्स के साथ ही आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से ही करते हैं। आज का मेरा व्लॉग मॉर्निंग रूटीन पर ही है। तो अभी 8 o'clock हो रहे हैं, तो मैं 6 o'clock को ही उठ जाती हूँ, 5:45 तक उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं मेरे पर्सनल जो मी टाइम रहता है वो करती हूँ मैं। अगर कुछ अर्जेंट रहा तो वो काम कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं मेरे लिए यूज़ करती हूँ ये टाइम, और जो भी कुछ अर्जेंट काम करना रहेगा वो करती हूँ, या फिर मेरे खुद की गतिविधियों पर जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी तो वो सब मैं कर लेती हूँ। क्योंकि 8 o'clock तक मिस्टर उठते हैं, तो उसके बाद ही मैं चाय रखती हूँ और चाय बनाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले कभी चाय नहीं पीती हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर ही चाय पीते हैं। तो तब तक मॉर्निंग में मैं गर्म पानी वगैरह पी लेती हूँ, और उसके बाद मेरा कुछ एडिटिंग वगैरह रहेगा वो कर लेती हूँ, या कुछ जो भी काम रहेंगे वो करती हूँ। अगर भगवान का कोई फेस्टिवल रहेगा तब मैं मॉर्निंग में पूजा वगैरह कर लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर पूजा मैं बाद में ही करती हूँ आराम से मिस्टर जाने के बाद में, तो कैसे दिल से होता है। तो अभी दोनों के लिए चाय बना दिया है, चाय ले रही हूँ, तो हम साथ में मिलकर ही बैठ कर ही चाय पीते हैं। मैं बहुत सारे व्लॉग्स में मेरे बताई भी हूँ, अगर आप न्यू है तो आप सुन लीजिए, क्योंकि दोनों एक टाइम हमारा मिल जाता है मी टाइम, तो ऐसे तो हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं ना, तो कि वो भी उनके इसमें बिज़ी रहते हैं, मैं भी मेरे काम में बिज़ी रहती हूँ, तो ये सुबह का एक टाइम हम दोनों का रहता है। थोड़ा रिलैक्स होकर चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी बातें वगैरह कर लेते हैं, कुछ रहेगा वो बोल देती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं अपने काम में लगती हूँ, उनके लिए टिफ़िन बनाना, ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए बनाना, टिफ़िन ये सब रहता है, ये जो ऑल लेडीज़ का काम रहता है वही सब चाय भी रहता है। के बाद में अगेन मैं फिर से किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट और टिफ़िन की तैयारी के लिए। तो अभी 8:30 तक हो रहा है, तो यहाँ से फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाना चालू कर देती हूँ। तो कैसे 10:30-11 तक ये निकलते हैं, तो तब तक टिफ़िन और ब्रेकफास्ट दोनों मेरा तैयार होना चाहिए, तो ये सबसे मैं जल्दी कर लेती हूँ। और ज़्यादातर तो रात को ही सोच के रखती हूँ क्या बनाना है, और नहीं हुआ तो फिर मॉर्निंग में ये कर लेती हूँ। तो आज मैं आपको ना आज के व्लॉग में आपको मैं एकदम चटपटी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो बहुत बहुत ही टेस्टी लगती खाने में, साथ ही मेरे टिफ़िन के आइडिया भी देने वाली, ऑफिस टिफ़िन आइडिया आपको मिलेगा। तो देखिए, ये रात की ना रोटियां बच गई थी, बच्चे लोग खाए नहीं थे, तो रोटियां आज कल रात की बहुत सारी बच गई, तो अब इतनी सारी रोटियों क्या करना, तो मैंने सोचा चलो चूरमा बना दिया जाए। रोटी का चूरमा देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में गाइस, बहुत लाजवाब लगता है, आप एक बार बना के देखिएगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो रोटी जो हमारी बची रहती है ना, उसको पहले ऐसे टुकड़े कर लीजिए, और उसके बाद में फिर इसको मिक्सर में पीस लेना है, अच्छे से बारीक कर लेना, पहले इस तरह से टुकड़े करके मिक्सर में बारीक कर लेना है। तो देखिए, इसे मैंने मिक्सर में बारीक कर लिया है, इसे थोड़ा सा दरदरा रखा है मैंने, थोड़ा हल्का जाड़ापन रखा है उसमें। अब इसके लिए मैंने ये 4 ओनियन लिए हैं, 4 मीडियम साइज के ओनियन, थोड़े ज़्यादा रहेंगे तो अच्छे लगते हैं। तो ये 7-8 रोटी थी मेरी, तो उसके लिए मैंने 4 ओनियन लिए हैं। ओनियन को बारीक काट लेना है। अब एक पैन में थोड़ा तेल डालेंगे, 3-4 टेबलस्पून आपके हिसाब से डालिए आप, और तेल के गर्म होने के बाद में 1 teaspoon राई और 1 teaspoon जीरा डाल देंगे, और राई और जीरे के तड़कने के बाद में इसमें 4-5 हरी मिर्ची ली, मैं आप आपके तीखे के हिसाब से लीजिए, क्योंकि लाल मिर्ची पाउडर भी डालना है, 4-5 हरी मिर्ची और 7-8 करी लीव्स वो डाल देंगे। करी लीव्स की तड़कने के बाद में हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे, और उसके बाद ना ओनियन कटा हुआ डाल देना है, और अच्छे से मिक्स करके ओनियन को पकने देंगे, रेड होने देंगे। ओनियन के रेड होने के बाद में इसमें मैंने 1 teaspoon हल्दी पाउडर डाला है, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर डाला है, अच्छे से मिला लिया है। फिर इसमें 1.5 teaspoon कोरिएंडर पाउडर डाला है, अगेन अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब रोटी का जो चूरा है वो डाल देना है, और अच्छे से हिलाना है, और उसे गैस पे अच्छे से पकने देना है, फ्राई होने देना है। तो जब वो अच्छे से चटका लगता है ना, फ्राई होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, और 1 teaspoon तक शुगर डाल दीजिए, जिसकी वजह से ना बहुत टेस्ट आ जाता है इसमें। अगेन इसे फिर से मिक्स कर लीजिए, और 4-5 मिनट तक इसे फ्राई होने दीजिए, तो जिससे ना वो कुरकुरा होता है जब रोटी का चूरमा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें ना पीनट्स भी डालिए तेल में तल के, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारा चूरमा तैयार है, अब इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए, बहुत ही चटपटेदार, मसालेदार और बहुत ही लाजवाब लगता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे सर्व करते समय इसमें नींबू लीजिए साथ में, या फिर अचार लीजिए और खाइए, बहुत टेस्टी, बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पे मैं टिफिन बनाने को ले रही हूँ, टिफिन में दाल पालक बना रही हूँ। पालक है देखिए, इतना लिया है मैंने, थोड़ा सा मतलब एक पालक में का आधा पालक समझ सकते हैं, एक गड्ढी में से थोड़ा, देखिए इतना पालक लिया मैंने। और ये
एक कप सॉरी आधा कप दाल ली है, तुअर दाल है ये आधा कप, 2 टेबल स्पून मूंग दाल लेना है। तो देखिए ये एक गड्डी से थोड़ा कम पालक है, इतने पालक के लिए आधा कप तुअर दाल और 2 टेबल स्पून मूंग दाल लिया है मैंने। इसको अच्छे से धो के पालक को बारीक काट के कुकर में उबालने को रखेंगे। तो दाल को धो लिया है मैंने, इसे डाल दे रही हूँ। और ये पालक को धो के काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। 2 टमाटर ले रही हूँ। थोड़ा सा हींग डालना है, उसमें पानी डाल देना है 1 गिलास, 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया मैंने। और इसको कुकर लगा देना है। इसके मसाले के लिए मैंने 1 हैंडफुल भर के पीनट्स लिया है, इसे रोस्ट कर लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है, 4 से 5 हरी मिर्च ली है और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। इन्हें पीस लेना है, थोड़ा दरदरा पीसना है। तो दाल हमारा पक गया था, तो इसे घोट लेना है अच्छे से। दाल को फ्राई करने के लिए एक पैन में थोड़ा तेल डालना है 3 से 4 टेबल स्पून, और उसमें 1 चम्मच राई 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और थोड़े से करी लीफ डालना है 4 से 5, और उनको तड़कने को देना है। और उसके बाद में फिर इस तरह से देखिए मैंने मिक्सचर जो था हमारा पीनट्स का वो पिसा है, इसे डाल देंगे और अच्छे से फ्राई होने देंगे। और फिर इसमें 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डालना है और फिर अच्छे से इसे मिक्स करना है, फ्राई हो कर देना है। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो ये दाल डाल देना है और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है अपने हिसाब से, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और एक में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालना है, जिससे खट्टा मीठा टेस्ट आता है, थोड़ा सा छोटा टुकड़ा लेके गुड़ डाल देंगे और हिला लेंगे। तो बस हमारी ये दाल पालक की दाल बनकर बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो इसे थोड़ी सी गाढ़ी भी बना सकते हैं, मैंने थोड़ा मीडियम रखा है, हमारे जैसा पसंद करते हैं उस हिसाब से। और बीच में थोड़ा टाइम था तो मैं नहा के आ गई। यहाँ पर मैं चावल का कुकर लगा रही हूँ, दाल पालक के साथ में चावल मस्ट है, बहुत टेस्टी लगता है चावल और दाल पालक खाना, तो वो कर रही हूँ। एक कप चावल में 1 गिलास पानी और थोड़ा नमक डालकर कुकर लगा दिया है। दाल बन के देखिए बिल्कुल रेडी है, दाल पालक की बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही लाजवाब बनी है। और यहाँ पे मैंने कुकर भी लगा लिया है चावल का, तो यहाँ रोटी का आटा भी लगा लिया है। तो बस अभी सुबह का मेरा बिजी शेड्यूल इस तरह से ही रहता है टिफ़िन की वजह से, तो जो भी बनाना है वो मैं सबके लिए एक साथ ही बना देती हूँ टिफ़िन के साथ में, तो फिर डबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दाल पालक के साथ में ना अलग से सब्जी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, दाल पालक और रोटी पराठे जो रहते हैं बहुत टेस्टी लगता है गाइस, तो आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो इस तरह से ही मेरा बिजी शेड्यूल रहता है। और इसके बाद में मैं आपको क्लीनिंग दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से फटाफट क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। क्लीनिंग होने के बाद में ना फिर 2-3-4 घंटे हमारे को किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट शाम को टी टाइम के समय मैं किचन में आती हूँ या फिर मेरा कुछ काम रहेगा तो ही आती हूँ, वीडियो वगैरह बनाना रहेगा तो आप बहुत कुछ आप इसमें से ले सकते हो, गेन कर सकते हो। और आगे चल के भी न्यू कुछ नया नया मैं सब्जेक्ट लाती रहूँगी, करती रहूँगी, व्लॉग्स के थ्रू ही आती रहूँगी, लेकिन आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलता रहेगा, तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियोज़ में। मैंने जब वीडियो की शुरुआत की थी ना तब ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस बनाती थी मैं, लेकिन फिर ना मुझे वो कनेक्शन मिल नहीं रहा था, मतलब देखिए वीडियो मैं बना क्यों रही हूँ, मेरे हॉबी के लिए मेरे इंटरेस्ट के लिए मैं कर रही हूँ, तो मुझे वो कनेक्शन नहीं मिल रहा था। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो हम वीकली 1 डे वगैरह डाल सकते हैं, रोज़ आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिखाओगे, इस तरह से होता है। तो मेरा ना दिल व्लॉग के की तरफ बहुत ज़्यादा था कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ, व्लॉग मतलब ऐसे टाइम पास ऐसा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ आपको दिखाती भी रहूँ अपना लाइफ स्टाइल में जो भी है मेरा, और साथ में कुछ ना कुछ सीखते भी रहे और मैं भी मेरे मन की बातें बता सकूं, बोल सकूं। तो इस वजह से फिर मैंने मेरा ध्यान ज़्यादा व्लॉग की तरफ जा रहा, मुझे मालूम है कि व्लॉग मेरा चलेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि मेरी शुरुआत ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो से हुई है। अगर मैं आज भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई वीडियो डालती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन व्लॉग्स नहीं चलते। पर मुझे इतना विश्वास है कि मैं रेगुलर जब व्लॉग्स डालती रहूँगी ना तो कोई ना कोई पॉइंट आएगा कि जब वो चलने लग जाएगा, एक कनेक्शन मिल जाएगा, पब्लिक मेरे को जब साथ में आ जाएगी। व्लॉग में ऐसा रहता है कि एक बार पब्लिक जुड़ जाएगी, एक बार लोग जुड़ जाते हैं तो जुड़ते जाते हैं, तो बस मुझे वही फ्रेंड्स बनाने हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने व्लॉग्स चालू किया गाइस। तो आपसे बात करते करते मेरे देखिए रोटियां भी पूरी बन गई, पूरी हम लोग ना पराठे बनाते हैं, महाराष्ट्र में जाते पराठे बनते हैं, तो इसे मैंने अभी एक टिफिन डब्बे में रख दिया है और अब टिफिन पैक कर लूंगी मिस्टर का मैं,
तो ये इस तरह से मेरे ये बन के चुका है, रेडी हो गया है। तो मेरे मिस्टर को ना चावल भी बहुत पसंद है टिफ़िन में देना, तो मैं ज़्यादातर देती रहती हूँ चावल। और इस तरह का जब लिक्विड वाला कुछ रहेगा सब्जी या कुछ, तो उसमें चावल तो मस्ट रहता है। तो इस तरह से मैं उनको पैक करके देती हूँ। और हमारी ना मतलब फैक्ट्री है, तो वो भी कभी मैं दिखाऊंगी, तो वहाँ पे कैसे इनका खुद का ऑफिस रूम है, तो वहाँ पे वो आराम से बैठ के खा लेते हैं जब उनको टाइम मिलता है। तो दो रोटी डाल रही हूँ मैं, दो परोठे इनफ होते हैं, जब चावल रहता है तो दो परोठे इनको बस हो जाते हैं। तो ये दो परोठे रख रही हूँ मैं मॉर्निंग को। जैसे मैं सभी को बहुत बिजी शेड्यूल, ज़्यादातर लेडीज़ लोग का रहता है, किसी के जिनके बच्चे छोटे रहते हैं तो बच्चों को स्कूल भेजना ये वो, तो उस तरह से मेरा भी है। लेकिन मेरे बच्चे बड़े हो गए पर सबका खाना पीना रहता ही है, बच्चे भी मेरे काम पे जाते तो उनके भी टिफ़िन रहते हैं, साथ में हस्बैंड का टिफ़िन मस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो फैक्ट्री हमारी वहाँ आजू बाजू में ज़्यादा कुछ खाने का इतना रहता नहीं है। और ज़्यादातर मैं घर का खाने का देने का ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, तो वो लेके जाने का उनको रहता है कि एक टाइम 10:30-11 तक मेरा टिफ़िन नाश्ता सब बन जाए तो ले लेते हैं। देखो अगर कभी नहीं हुआ तो फिर वो ऐसे निकल जाते हैं, फिर वो लेते नहीं है, इस तरह से रहता है। तो ये थोड़ा सलाद भी दे रही हूँ साथ में, तो खा लेते हैं। मतलब अगर मन हुआ सलाद का, उनका ऐसा इतने सलाद के इतने शौकीन नहीं है, लेकिन दिया तो फिर खा लेते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये इनकी टिफ़िन पैक होने के बाद में ना मैं थोड़ी सी मतलब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, तो इसलिए सुबह का एक बिजी शेड्यूल हो जाता है मेरा पूरा देना। और साथ में खाना भी इनका ऐसा है कि अच्छा रहेगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर नहीं खाएंगे। मतलब शुरू से आदत हो गई है वो उनको, तो कुछ भी नहीं खाते, कुछ ढंग का रहेगा तो खाएंगे, इस तरह का है उनका। तो ये देखिए इनका टिफ़िन बिल्कुल रेडी है, एक बॉटल भी दे दिया है। और अब मैं आपको क्लीनिंग दिखाऊंगी मैं किस तरह से पूरा क्लीनिंग करती हूँ। तो ये जो रोटी का था वो सब निकाल के पहले मैं रख ले रही हूँ, और जो भी जैसे भी नाश्ते में ना अभी बच्चे ने खाया नहीं, क्योंकि ये तो चले गए जल्दी, लेकिन मेरी डॉटर वगैरह बाकी है नाश्ता करने की, तो उस पहले जो भी जो ब्रेकफास्ट बच जाता है पहले उसको निकाल लेती हूँ। ये हॉट पॉट का बर्तन है मेरा, माइक्रोवेव का, तो उसी में गर्म जब चाहिए तब गर्म कर सकते हो, तो जैसा मैं उसमें निकालती हूँ। और ये सब उठा के ना मैं डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, हमारा हॉल में डाइनिंग टेबल है तो उस पर पहले मैं उठा के रख देती हूँ सब जितना खाना है, और उसके बाद में फिर ये रोटी का वगैरह सब उठा के रखती हूँ। ये जो मैं नीचे हमेशा कि 2-3 बार मैंने बताया कि मैं ऐसे रनर रखती हूँ नीचे, तो जिससे ना गंदा नहीं होता, क्योंकि मेरा काउंटरटॉप वाइट कलर का है तो मुझे उसको साफ सफाई की और बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है गाइस, नहीं तो ना वो बहुत पीला पीला दिखने लग जाता है। तो इस वजह से मैं नीचे रनर वगैरह का यूज़ करती हूँ कुछ भी कटिंग के लिए या कुछ के लिए भी। और उसके बाद में फिर इस तरह से सरफ से वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, और अगर ज़्यादा दाग नहीं हुआ तो सिंपल पानी से पानी में जो फर्श का जो क्लीनर रहता है वो डालती हूँ मैं, तो उसी के स्मेल भी नहीं आता और क्लीन भी होता है, वाइट रहने की वजह से मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो बस इस तरह से ही डेली क्लीनिंग रहता है। मैंने क्लीनिंग का एक रूटीन वीडियो बनाया भी है मेरा डेली क्लीनिंग रूटीन का किचन का, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा, तो उसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिली जाएगी मेरी। अभी के बर्तन जो ये खाली पानी से वॉश करके रख रही हूँ, इसमें जो अन्न पदार्थ है वो सब निकाल कर रख रही हूँ। फिर मेरी बाई आएगी दोपहर को तो वो सब वॉश घसेगी, तो मैं कुछ घस नहीं रही हूँ, खाली जो रोटी का वगैरह जो रहता है मेन और कांच के बर्तन रहते हैं इसको मैं घस लेती हूँ, और गैस का जो है वो घसती हूँ, बाकी का सब जो है बाई आके घस लेती है। वॉश किए हुए बर्तन को बाई के लिए मैं इधर एक साइड में नीचे हमारे जगह है वहाँ पर रख देती हूँ, तो बाई आके घस लेती है। ये सिंक के पास का एरिया ना बहुत जल्दी पीला पड़ता है, क्योंकि मैट यहीं पे बर्तन घसती है और मेरा भी काम यहीं पे ज़्यादा होता रहता है, तो जैसे इस एरिया की ओर मेरे को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। फ्लोर क्लीनर वगैरह डाल के मैं इसे थोड़ा ज़्यादा घसती हूँ अच्छे से, तो जिससे ना वो जल्दी क्लीन हो जाता है और फिर दाग नहीं पड़ते हैं। और ये गैस भी देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है, और कांच के जो बर्तन जो मेरे कप वगैरह थे मैंने घसे थे, नाइफ्स थे उसे रख दिया है। ये मेरा कटिंग ट्रे है इसे भी जगह पर रख देती हूँ। रोटी का जो वो संगमरमर का है तो इसे भी मैं ही हाथ से धो के रखती हूँ, मतलब बाई से फोटो वगैरह ना जाए करके। और अब ये क्लीन कर ले रही हूँ लास्ट में, और ये जो मेरे रैक है इस पर भी मैं डेली क्लीन करती हूँ ना, तो दाग नहीं दिखता है। और एंड में ये मॉपिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि बाई मॉर्निंग में करके गई तो अब दोबारा नहीं करती है, तो दरअसल मैं इसे कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से मेरा किचन पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। अब डायरेक्ट शाम को इवनिंग में मुझे चाय वगैरह बनाने को उसकी यूज़ होगी। और ये देखिए बहुत ही प्यारा दिख रहा है किचन। तो गाइस इस तरह से ही मेरे ये वीडियोस रहेंगे, आपको सीखने को भी मिलता रहेगा, व्लॉग्स के रूप में मिलेगा, एंटरटेनमेंट के रूप में होएगा। तो आइए मेरे वीडियोस में बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरा किचन आपको कैसा लगा जरूर बताइए।